ये देखें खीर की फाइनल लुक, ये मैंने डब्बे में डाल ली है, मैंने लेके जानी है अपनी फ्रेंड के घर। मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको, दिखाई नहीं थी, रात को लेट हो गया था, मैंने डब्बे में डाल के रख दी थी फ्रिज में। दो ना, चलो बेल दो। ये देखें हम आ गए और जैन बेल दे रहा है। चलो बेल दो, देखो आ गए। और हाँ ये क्या है? ये घर के तो नहीं? ये हमारे घर के एप्पल है। वाह जी वाह, वो वाले जो इधर लगे हुए थे साइड। हाँ वो इधर वाले। अच्छा ऑर्गेनिक, मैंने कहा आपको भी खिलाए ना जरा। वाह ये तो बड़ा अच्छी है। आओ ना, जाओ प्ले करो। नहीं तुम करो, मैं आ रही हूँ, मैंने भी अभी करना है। मैं मरीन से कह रही हूँ इस टाइम तक मैं कर लेती हूँ, राजिया ने देर ही लगा। ये आलू बैंगन है, ये आलू बैंगन, ये चने, ये हमारी ब्रेड, स्पेशल ब्रेड है ये, और ये पराठे जी क्या, और ये अचार, और मजे से हम खाएंगे नाश्ता। फातिमा नहीं आई, फातिमा स्कूल है। रेन हो जा रही है, इतनी ज्यादा रेन हो गई आज। रेन हो रही है, ये कल इतनी धूप थी और आज रेन। जा रेन है। ये देखें इतनी तेज रेन आ गई है एकदम, अभी धूप निकली हुई थी और अब इतनी फास्टर है। फास्टर है शर मम्मा जी, इधर से थोड़ी सी होती वो है। देखो रुको रुको रुको, वो ऊपर से ये इधर से पता चलेगा, लेकिन पता नहीं चला, लेकिन तेज ही है, इतनी तेज होती है इधर, थोड़ी है अभी ज्यादा आएगी। वो उधर है जा रही है, वो उधर तक। नजर आई? लाइक इट? लाइक इट। और ये देखें, ये मैंने बनाए आज कुकी, अशर और जैन के फेवरेट। किसी दिन रेसिपी दूंगी मैं आपको, अभी तो बस मैंने जल्दी जल्दी बना लिए। जैन बहुत याद आए हुए थे जैन को कुकी जी। बन गए, आ जाओ जानी, ले लो ये लो। यू हैप्पी? अब फिनिश करने सारे खाओगी, खाने कोई नहीं जैन ने। और जैन ले गया प्लेट के, मुझे प्लेट फुल करके दे ये शर के। ए वी गो, यम्मी जैन खाओगी? अभी ठंडे होने दो ना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नूडल्स, उसके लिए मैंने पहले उसका मिक्सचर बना लूँगी। नूडल्स मैंने बॉईल कर ली हैं और इसमें मैंने डाला ऑयल, थोड़ा सा गार्लिक, और इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँ, ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, फिर इसमें डालूँगी चिकन। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है, मैंने डाल दिया चिकन बोनलेस। अब इसको करते हैं फ्राई, थोड़ा सा भूनते हैं। गार्लिक भी थोड़ा ब्राउन हो गया, अगर पहले ही ब्राउन कलर है तो बहुत ज़्यादा जल जाता है। और चिकन भी हो गया बस ब्राउन, और ये थोड़ी बड़ी बोटियाँ थी और मैंने इनको चम्मच के साथ थोड़ा छोटा कर लिया। वो फ्राई हुआ तो सॉफ्ट हो गया, वो इजीली चम्मच के साथ भी हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी वेजिटेबल, ये देखें अब हो गया, ये चिकन हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी ये मैंने काट के रखी है कैरेट और शिमला मिर्च, रेड ग्रीन एंड येलो, एक भी डाल सकते हैं अगर सारी ना हो तो। पहले मैं कैरेट डालूंगी क्योंकि कैरेट थोड़ी हार्ड है। ये
मैंने लंबा ही काटा है क्योंकि नूडल्स में डालने थे, नूडल्स में ठीक है ऐसे वाली। पाकिस्तान में जो कैरेट मिलती है ना उनका मजा ही और। ये देखें ये हार्ड भी हार्ड तो होती है, इनका रंग ऐसे होता है और वो टेस्ट नहीं होता पाकिस्तान में होता है बैकग्राउंड का, लेकिन अब टेस्ट बन गया हमारा यही। अब आदत हो गई थी, पहले पहले तो मैं पकाती नहीं थी, मैं डालती थी, पकाती तो नहीं सालों में पकाती, बस डाल लेती हूँ पास्ता वगैरह में। अब मैं डाल लूँगी इसमें तो थोड़ी होगी नहीं शिमला मिर्च और ये शिमला मिर्च जल्दी हो जाती है। अब ये गोभी बंद गोभी काटी हुई है ये डाल दूँगी साथ। अब इसमें मैं डालूंगी मशरूम जो मैंने फ्रीज किए हैं, वो मैंने निकाले थोड़े से। मशरूम वैसे चिकन के साथ डालने चाहिए, मुझे याद नहीं रहा, मैंने ख्याल है ऐसे भी। तो अब इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, करूंगी मिक्स और मर्जी है डालना तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। थोड़ा सा सोया सॉस, अब मैं इसमें डालूंगी पास्ता सॉस, ये मैंने फ्रीज की हुई थी, आधा जार बच गया था तो मैं फ्रीज कर लेती हूँ और उसको कई दफ़ा ना हो या ज़रूरत हो तो फिर निकाल के उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ और इसको दोबारा फ्रीज नहीं करती, बस जो फ्रीज हुई हुई है उसको एक ही बार निकाला और यूज़ कर लूँगा। कई दफ़ा ऐसे ही होता है आप जार खोलते हैं थोड़ी सी चाहिए होती है बाकी वो, वैसे फ्रिज में तो ख़राब हो जाती है, दो चार दिन बाद उसके ऊपर लिखा होता है कितने डेज, तो उससे बेहतर आप फ्रीज कर दें जब ज़रूरत हो फ्रीज ला डाल लें। और थोड़ी सी डालूंगी केचप, थोड़ी सी मैं ये ऑस्टर सॉस डालूंगी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप नमक मिर्च चेक करके और भी डाल सकते हैं,
अगर थोड़ा हो तो। पता नहीं क्यों मेरे से चम्मच से चीज़ नहीं डालती, मैं चीज़ को देख के उतनी डालती ना। कुछ लोग होते हैं ना इसमें 2 स्पून डालना है, इसमें 1 डालना है, इसमें आधा डालना है, वो मुझे नहीं पता। मैं चीज़ थोड़ी हो तो। ये देखें नूडल्स मैंने डाल लिए, बन गया था मिक्सचर, और अब इसमें मैंने नूडल्स डाल लिए, इनको किया मिक्स। अब इनको 2 मिनट रखूँगी चूल्हे पर और बस ये रेडी।